कालग्नि रुद्रो उपनिषद के अंतर्गत वर्णन आता है कि जब जल से स्नान कर रहे, जल से जब स्नान कर रहे उस समय जल के पात्र में से ही थोड़ा सा पात्र कुछ अच्छा लेकर हाथ की तीन उंगलियों में लेकर अगर मस्तिष्क पर फेर लिया जाए, इसको सरल भाषा में समझ लो जरा। छोटा सा बच्चे को माँ स्नान कराती, छोटा सा बच्चा जब माता स्नान कराती क्या करती, हाथ में जल लेकर इसे सर पर फेर के पानी फेंक देती। क्यों फेंकती? आप लोगों ने कराया कि नहीं कराया? अरे बोले तो छोटे से बच्चे को जब माँ परात में पात्र में तसले में बिठाकर छोटे से बच्चे को स्नान कराती है, मालिश के बाद जब पानी फेर के बाहर फेंक देती है। आज भी ब्याह में शादी में मंगल कोई कार्य में आरती दिए से नहीं होती। जब दूल्हे की आरती होती है, दुल्हन की आरती होती है, तो पानी का लोटा रखकर जल की आरती उतारी जाती है और बहन दोनों साइड जल डाल देती है। दरवाजे पर जब आरती उतरती है जल की आरती उतरती है। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है महाराज कि माताएं जब स्नान करे उंगली तीन लेकर अपने कपाल पर अगर शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र धारण कर त्रिपुंड का भाव लेकर ये विचार कर लगाए कि मैं चंदन और भस्म धारण कर रही हूँ, तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है और जीव का कल्याण करता है।